स्वागतम स्वागतम केंद्रीय मंत्री प्रताप जी स्वागतम 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 केंद्रीय मंत्री प्रताप जी स्वागतम 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 केंद्रीय मंत्री प्रताप जी स्वागतम 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 बोले जाओ साइड पर स्वागतम 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 आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया किसने दिया? किसने इसको ठुकरा दिया? दीदी आप बताओ वोट किसको देना चाहिए? मोदी जी का चिन्ह क्या है? नीतीश भाई का चिन्ह क्या है? तब कौन जीतेगा? कमल जीतेगा ना, हर घर में कमल, हर हृदय में कमल। इसको आंको बहन और भाइयों, 14 साल लक्ष्मण लाल ने इंद्रजीत को मारने के लिए आहार निद्रा मैथुन को त्याग दिया और 14 दिन भी नहीं है, 2 दिन आपको भी 2-3 दिन इसमें सीमित उपभोग करके पूरा समय को इस महान यज्ञ कर्म के लिए लगाना चाहिए। इससे बंग भूमि का भाग्य बदलेगा। ये फटा ट्रांसफॉर्मर है, अब काम नहीं करता है, दिमाग गर्म हो गया है इसलिए काम करने वाली नहीं है। जयश्राम बोलने से दौड़ पड़ती है, ये ट्रांसफॉर्मर फट गया है, फट चुका है, इसलिए इसको उखाड़ करके नया ट्रांसफॉर्मर लगानी है। और मोदी का जो हाई वोल्टेज स्पीड आता है ये फटा ट्रांसफॉर्मर इसको पकड़ नहीं पाएगा। बहन और भाइयों कान खोल कर सुनो, बंग भूमि से चारों दिक से एक आवाज आ रही है, आकाश पाताश भेद करे दिग्विधि के प्रकंपित करे, एक आवाज सुनाई देता है, ये क्या है? मोदी जी हमारे रक्षा करो, मोदी जी हमारे के रक्षा करो, अत्याचारी असुर शासन से हमारे रक्षा करो। रक्षा करने का उपाय क्या है? घर घर में जा करके मोदी मंत्र लोगों को बताओ। ये जो टीका कोरोना टीका दिया जा रहा है किसने दिया है? कोरोना के समय में सारा विश्व जब भयंकर विनाश की दौड़ से चल रहा था, हताश हो गया था, उस समय में हमारे देश में आत्मविश्वास का जागरण किया माननीय नरेंद्र मोदी ने। ये प्रभात पुरुष असंभव का महानायक कोटि हृदय सम्राट श्रीमान नरेंद्र मोदी न केवल भारत का, समग्र विश्व का हौसला बढ़ाया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिया। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक मेथोडोलॉजी भी प्रिस्क्राइब किया, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विद ग्लोबल आउटरीच। कहां गया बंग भूमि में रविंद्रनाथ ठाकुर का तैयार हुआ हस्तशिल्प कलाकृति हैंडीक्राफ्ट, कहां गया? इसको ध्वस्त कर दिया। मोदी जी ने संकल्प लिया, बंग भूमि आजादी के समय में जहां था अब वो गिर गया, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए हल्दिया पाइपलाइन कर दिया, गैस आधारित अर्थनीति का केंद्र बना दिया बंग भूमि को, यहां से 4 प्रदेशों का गैस आधारित अर्थनीति चालित होगा। यहां पर हाईवे बना दिया और बंग भूमि का विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन दीदी ने इसको पकड़ नहीं पाती है, सहयोग नहीं करती है। ऐसा एक शासन चाहिए जो मोदी जी के साथ सहयोग करके विकास को द्रुततर करेगा, डबल इंजन चलेगा, बंग भूमि में डबल इंजन के चलते विकास दौड़ पड़ेगा। और बंग भूमि को विनाश के दिशा में ले जाने वाली दीदी को अब फेयरवेल दे दो, गुड बाय बता दो, दीदी तुम्हारा जमाना खत्म, अब तुम रेस्ट करो। बंग भूमि का नौजवान मैं आपका आह्वान करता हूं, स्वयं मात
रोयो मत, गर्जन करो, हुंकार करो, दीदी के हाथ से छीन लो बंग भूमि का सत्ता और मोदी को सौंप दो और विकास क्या है तुमको दिखाई पड़ेगा। किसान, विद्यार्थी, माताएं, युवाएं, सबका विकास होने वाला है। जो महात्मा गांधी का सर्वोदय है वही दीनदयाल जी का अंत्योदय है, वही मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। अब नो कम्युनिज्म, नो कैपिटलिज्म, नो सोशलिज्म, नो दीदीज्म, ओनली नेशनलिज्म, ओनली इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, ओनली मोदीज्म। गांव गांव में, घर घर में मोदी का ये नवीन वार्ता, प्रेरण करो, दावान के समान फैल जाओ, रात दिन हर घर को जाओ, नया युग का प्रारंभ होने वाला है, पूर्वोदय से भारत का उदय होने वाला है। अब नॉर्थ ईस्ट और संपूर्ण ईस्ट का उदय करने के लिए मोदी कटिबद्ध है, लेकिन हमको उनको मौका देना चाहिए, उनका मुट्ठी को सशक्त करना चाहिए। और करने का उपाय है, वोट दो प्रीतिश भाई को, वोट दो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। 5 साल में देखो बंग भाइयों, मैं आपको निवेदन करता हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़ करके अनुमति लेकर आया हूं, यहां 2-4 सभा कर दूंगा, इसमें बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बंग भूमि असुर राज का समाप्त हो जाए, विद्रोहियों का समाप्त हो जाए, अत्याचार का समाप्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब चाहते हैं? चाहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, जो चाहते हैं उसको साकार करने के लिए आपसे जाओ, घर घर में जाओ, रात दिन एक कर दो, करो वा मरो, डू और डाई, जाओ दीदी को उखाड़ फेंक करके उस सिंहासन में मोदी को बिठाओ, भाग्य बदल जाएगा बंग भूमि का। एक कहानी कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। रामायण में एक कहानी है, क्या है वो? भगवान श्री रामचंद्र ने रावण के लिए सरसंधान किया, रावण का सिर कट जाता है फिर जुड़ जाता है, श्री राम ने थक गए, तब विभीषण आकर के बोले, सखा ए प्रभु, रावण ऐसा नहीं मरेगा, उनको वरदान। कैसे मरेगा भाई? ओए रावण का मृत्युवाण लाना चाहिए, ये सामान्य बाण में नहीं मरेगा, फिर जुड़ जाएगा। अमृत्युवाण कहां है? वो रावण के दुर्ग में है, एक खंभे के अंदर। कौन लाएगा? क्यों, हनुमान ला सकता है। हनुमान को बोले, प्रभु तुम ला सकते हो? हनुमान, प्रभु आपका आदेश हो तो जो आप कहेंगे वो होगा। तो भगवान श्री राम ने बोला, अच्छा इसके बाद क्या करना पड़ेगा? वो फेंक में मारने से नहीं होगा, हाथ में नहीं होगा, छाती में नहीं होगा, वक्ष में भी नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? उनका नाभि केंद्र है, मर्मस्थल, इसे मर्मस्थल में भेद करो, ये बाण को ला करके उनका नाभि केंद्र में विद्ध करो तो मर जाएगा। श्री राम ने ऐसा किया, हनुमान जाकर के वो खंभ को तोड़ करके ले आया और नाभि केंद्र में प्रभु ने लगा दिया, रावण मर गया। इसलिए ये जो अत्याचारी रावण शासन चल रहा है, इसका निधन कैसे होगा? इसका मृत्युवान कौन है? वो बेलट, वो जो बटन दबाना, ये मृत्युवान है। नाभि केंद्र में भेद करो, रावण का अंत हो जाएगा। ये दुराचारी भ्रष्टाचारी शासन को अंत करके ये हमारा प्रीतिश कुमार, प्रीतिश कुमार भाई, ये आपको प्रीति रसायनित भाव का मधुर मूर्छना प्रदान करेंगे। शिक्षक, साहित्यिक, दार्शनिक, वैचारिक, उनको दे दो। ये चिंता नायक आपको सही दिशा में ले जाएंगे, मोदी के पास ले जाएंगे और विकास का तरंग ले आएंगे, बंग भूमि का विकास आकाश स्पर्श होगा। यह वचन देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब इस बार राक्षसी शासन का, ताड का, असुरी का समाप्ति का घोषणा करके बोलो, भारत माता की वंदे।